नसरुल्लागंज तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम टीका मोड़ में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला का शव कब्र से बाहर मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्राप्त जानकारी के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ग्राम टीका मोड़ निवासी 55 वर्षीय महिला जमुना बाई कोरकू की बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने महाशिवरात्रि के दिन ही आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार महिला को दफनाकर अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन जब दूसरे दिन महिला का बेटा शमशान घाट पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसकी माँ का शव कब्र से बाहर मिला, जिसकी सूचना उसने परिवार सहित पुलिस को दी। लाड़कुई पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे पहलू की जांच की जा रही है। मामला ये है, कल हम लोगों ने गांव से एक दरोही समाज से महिला एक शांत हो गई थी। उसे सभी गांव वाले और उनके परिवार वाले रिश्तेदार सब लोगों ने आकर और दफनाया गया था करीबन 4-4.5 फीट गड्ढे के नीचे, और व्यवस्थित तौर से कांटे भी डाले गए, सारी चीज़ें करी गई। उसके बाद में शाम को बालक आया था, तो शाम को भी यथावत सारी चीज़ व्यवस्थित थी। सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि सरपंच साहब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि माताराम बाहर बाहर हैं, गड्ढे से किसी ने बाहर निकाल लिया। मुझे जैसे ही सूचना मिली वैसे ही मैं आके देखा, आके देखने के बाद मैं ऐसे ही साहब को फ़ोन लगाया, और उसके बाद में इन सबको देख के यही साबित होता है कि कोई न तांत्रिक विद्या की गई है। खाना पूजने के लिए आया था, उस समय मैं जब आया तो यहाँ देखा, मैंने पहले तो गड्ढा देखा, उस गड्ढे में मेरे को लाश नहीं दिखी। फिर उसके बाद में मैंने अगल बगल देखा, इस पूरे और ध्यान दिया तो मेरी माँ बाहर पड़ी हुई गड्ढे से 2-3 फीट दूरी बाहर सोए, पूरे हाथ पैर पूरे मतलब फैले हुए थे। और उसी दरमियान फिर मैंने पापा को फ़ोन किया, गांव पे गया मैं, गांव से आया फिर सरपंच साहब को भी बोला, तो ये सब लोग आए मेरे साथ, सब लोगों ने देखा। मैंने उस समय कोई छेड़खानी कुछ नहीं किया। उसके बाद में फिर मैं इन लोगों के साथ आया हूँ घर से, सभी समस्त परिवारों के साथ। तो मुझे ये चीज़ सर यही मतलब जादू टोने वाले ने किया, जो कुछ किया सर इन्हीं का है। चलो ठीक। हाँ, ये थाना नसरुल्लागंज के अंतर्गत ग्राम टीका मोड़ आता है, जिसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि ये जो जमुना बाई है, वाइफ ऑफ जगदीश गोन, इनकी महाशिवरात्रि के दिन देहांत हो गया था लंबी बीमारी के चलते। इनको उसी दिन दफनाया गया था, परंतु अगले दिन जब अन्य क्रियाकर्म करने पहुंचे तो लाश बाहर मिली थी। इसमें नसरुल्लागंज में अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है सुसंगत धारा में, और आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं परिजन इस पूरे मामले में तांत्रिक क्रिया की आशंका जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, नसरुल्लागंज।